बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा न सिर्फ प्रोफेशनल बल्कि पर्सनल कारणों से भी खासी चर्चाओं में रही है। रेखा का निजी जीवन किसी फिल्मी कहानी की तरह रहा, जहां उन्हें काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिले थे। रेखा का सबसे चर्चित अफेयर अमिताभ बच्चन के साथ था। हालांकि सिर्फ अमिताभ ही नहीं थे जिनके साथ रेखा के रिलेशन ने सुर्खियां बटोरी थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अमिताभ से ब्रेकअप के बाद रेखा की नज़दीकियां एक्टर विनोद मेहरा के साथ भी बढ़ी थी। रेखा और विनोद के अफेयर के चर्चे इंडस्ट्री में आम हो चले थे। इस बीच इन्होंने कोलकाता में शादी भी कर ली थी। विनोद मेहरा से शादी के बाद रेखा की लाइफ में एक बड़ा ट्विस्ट आया था। रेखा की बायोग्राफी रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में इस बात का जिक्र है कि विनोद मेहरा की मां रेखा को फूटी आंख पसंद नहीं करती थी। बायोग्राफी में इस बात का भी जिक्र है कि जब रेखा शादी के बाद विनोद मेहरा के साथ उनके मुंबई स्थित घर पहुंची, तो रेखा को देख उनकी सास का कैसा रिएक्शन था। बताते हैं कि विनोद मेहरा की मां रेखा से बहुत चिढ़ती थी और ऐसे में रेखा को सामने देखते ही वे आग बबूला हो उठी थी। रेखा ने जब अपनी सास के पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहा, तो वे इतनी नाराज़ थी कि उन्होंने रेखा को धक्का देते हुए सैंडल निकाल लिया था ताकि वो रेखा की पिटाई कर सके। बताते हैं कि विनोद मेहरा की मां ने रेखा को अपनी बहू मानने से भी इनकार किया था। इस बात से रेखा काफ़ी आहत हुई थी। बहरहाल शादी के कुछ समय बाद ही रेखा और विनोद मेहरा अलग हो गए थे।